हमारे साथ हैं बीजेपी पार्टी से किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुधीर त्यागी जी। अभी जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर जो है सेवा सप्ताह का जो प्रोग्राम चलाया गया है, आइए उस पर हम बातचीत करते हैं सुधीर त्यागी जी से। सर, आपका पहले खोज खबर में स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है अभियान, उसके बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मैं सुधीर त्यागी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख को जो जन्मदिन है उसको हम सेवा दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं, और उसकी शुरुआत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी व देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कल एम्स हॉस्पिटल से शुरुआत की है। हम पूरी तरह से पूरी भाजपा इस जो सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में मनाने जा रहे हैं पूरे देश में। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के रूप में मनाएंगे, और इसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो सेवा कार्यों को उनको समर्पित करना है, इसमें रक्तदान शिविर लगाएंगे, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाएंगे, आँखों की जांच एवं ऑपरेशन के कैंप लगाएंगे, अस्पतालों अनाथालयों में वृद्धाश्रमों में जाकर मरीजों एवं जरूरतमंदों को फल वितरण करेंगे, और जो गरीब से गरीब तबका है उनके बीच में जाके जो मलिन कॉलोनियाँ हैं उसमें जाकर हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे और रक्तदान शिविर लगाएंगे। हम पूरे हफ्ते को ये सेवा सप्ताह के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के दीर्घ आयु वो हो, सारा देश स्वस्थ रहे और पूरे देश में स्वच्छता अभियान चले और प्लास्टिक के जो वस्तुएं हैं इनका पूरे देश से बहिष्कार करवाएंगे, पूरी सफाई कराएंगे और पूरे सेवा सप्ताह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करेंगे गरीब के लिए, और जो दबे कुचले लोग हैं उनकी बस्तियों में जाकर कैंप लगवाएंगे, स्वास्थ्य जांच कराएंगे और उनके सभी जगह जा जाकर सबको फल वितरण कराएंगे, वस्त्र वितरण कराएंगे, इसी रूप में मनाएंगे। अच्छा सर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं सर किसान मोर्चा के आप, तो सर अभी किसानों के लिए आप मतलब उनके हित के लिए क्या कुछ? देखिए, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रधानमंत्री बने उसके बाद पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास, और पूरे देश में 2014 के बाद पहली बार आज़ादी के बाद जब से भी आज़ाद हुआ देश, एक सरकार ऐसी आई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिन्होंने किसानों के हित में काम किया है। अभी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जो किसान को बुवाई के टाइम में जुताई के टाइम में दिक्कत आती थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी किसान, या एक एकड़ का किसान हो या 50 एकड़ का किसान हो, सबको 6,000 रुपये सालाना किसान के खाते में डायरेक्ट जाएंगे। और सबसे बड़ी बात बता दूँ आपको, पशुधन के लिए, जोत के लिए, और सबसे बड़ी किसानों की जो पेंशन 3,000 रुपये महीने हर किसान को, जो 60 साल का किसान हो गया हर किसान को 3,000 रुपये महीने किसान के खाते में जाएंगे, और 18 साल से 40 तक के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और गन्ना किसानों का भुगतान हुआ, सबके खरीफ फसल के दाम बढ़े, रबी फसल के दाम बढ़े, किसानों की खुशहाली पूरे देश में इस बात को साबित करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए एक साथ सबका साथ सबका विकास काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने बताया कि इस तरीके की योजना कर रहे हैं, तो जो किसान हैं जिन्हें पता ही नहीं है उन तक ये योजना का कैसे पता लगेगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त जो सांसद है बलिया से, उनके नेतृत्व में पूरे देश में किसान मोर्चा जो 36 प्रदेश हैं पूरे तौर पर
गठित है किसान मोर्चा, और किसान मोर्चा का कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर जो प्रधानमंत्री की सारी भी योजनाएं हैं कृषि के संबंधित हों या किसी भी संबंधित जितने भी प्रधानमंत्री योजना है, सबको गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर, किसानों के बीच में जाकर, मजदूरों के बीच में जाकर, महिलाओं के बीच में जाकर, उसमें स्वेल्थ हेल्थ कार्ड हो और उज्ज्वला हो, कोई भी जितनी भी गांव और गरीब की योजना है, सब में किसान मोर्चा अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। और किसान के लिए सब किसान केंद्र खुले हुए हैं। अच्छा, किसानों में बात की जाए सर, महिलाओं को लेकर के, महिलाओं के लिए क्या कुछ और अन्य छूटे हों? देखिए, महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री ने जो किया है आज़ादी के बाद, शायद किसी ने कहा हो, उसमें चाहे महिलाओं में 3 तलाक का मामला हो, गैस चूल्हे का मामला हो, बिजली का मामला हो, और मैं पहली बार बता देना चाहता हूँ कि पूरे बजट का 52% बजट गांव के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, मजदूर के लिए, ये पहली बार प्रधानमंत्री जी ने इतिहास रचा है। अच्छा सर, अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो आप अपने आप को क्या लगता है कि उम्मीदवार आपको? नहीं, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, ये तो पार्टी का काम है, वो किस कार्यकर्ता को मौका देगी, लेकिन मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली का नाश कर दिया है। 5 साल में उन्होंने काम नहीं किया है, और अब भगे घूम रहे हैं, कॉलोनी पास कर दी, बिजली मुफ्त मार दी, महिला को मुफ्त यात्रा करा दी, बिजली मुफ्त बांट दी, पानी मुफ्त बांट दी, मकान मुफ्त बांट दी, तो ये प्रोपेगेंडा है। मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, केजरीवाल के कैंडिडेटों की कहीं भी जमानत बचने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है, अब की बार भाजपा सरकार। अच्छा, अभी नॉर्थ ईस्ट में नंदनगरी में उन्होंने रोड शो भी किया था, रोड शो में काफ़ी जनता थी जो उनको चाहने वाली थी, तो इसको देखकर लगता है कि शायद फिर से आने की संभावना लग रही है सर, क्या ऐसा आपको लगता है? मैं कह रहा हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता को गुमराह करने के सिवा उन्होंने कोई काम नहीं करा है, और जनता आने वाले चुनाव में केजरीवाल जी को सबक सिखाएगी। मैंने बता दी, उनके कैंडिडेटों की जमात भी बचनी मुश्किल हो जाएगी। हम 70 में से 65 सीट जीतने हैं, और दिल्ली की जनता, यहाँ पूरे देश का आदमी बसता है, और 5 साल से केजरीवाल कहाँ गए थे, अब चुनाव के बचे मात्र 5 महीने, अब केजरीवाल जी कह रहे हैं महिलाओं को यात्रा फ्री मिलेगी, बुजुर्गों को देशाटन करा रहे हैं, बुजुर्गों को कह रहे हैं भाई तीर्थ यात्रा कर आओ। 4.5 साल केजरीवाल ने कोई काम सरकार ने किसी हित में किया हो तो एक भी काम बता दें। अब तो नौजवान को गुमराह कर रहे हैं, महिला बहनों को गुमराह कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन ये जनता सब जानती है, और टाइम आने पर केजरीवाल को सबक सिखागी। अब इसकी मैं गुंजाइश नहीं है, इनकी करनी और कथनी के बारे में पूरी दिल्ली की जनता जान चुकी है, इनकी जमात नहीं बचेगी, जैसा आपने लोकसभा के चुनाव में देखा था। इसकी इससे भी बुरी दुर्गति केजरीवाल की चुनाव में होनी है। जो है महिलाओं की स्थिति इतनी अभी ठीक नहीं हुई है, हम दिल्ली को नहीं पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो महिलाओं के लिए जो रोज़गार है वो इस चीज़ पे क्या कर रही है बीजेपी सरकार? देखिए, बीजेपी सरकार, मैंने आपको बताया, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया है, 3 तलाक बिल ला के पूरी जो मुस्लिम मेरी बहनें थी, जो त्राही मान थी, वो तो तलाक का तो मुद्दा अलग है सर, रोजगार को लेकर बात कर रहा हूं, उसमें मैं कह रहा हूं, आप तलाक की मैं बात बताना चाह रहा हूं, मैं धारा 370 की बताना चाह रहा हूं, 35 की बनाना चाह रहा हूं, जो लेकिन धारा 370 को लेकर आए दिन जंतर मंतर पर धरने दिए जाते हैं कि बिना पूछे उनसे 370 लगा दी गई, 35A। मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये देश आजाद है, सबको अपने बात कहने की, सत्याग्रह करने की छूट है, तो एक हिंदुस्तान में ही है। मैं ये कह रहा हूँ, 370 धारा हटने के बाद पूरे देश में देखिए, कश्मीर में देखिए, अमन चैन है, सब तरह के लोग इस देश में हैं, और सबको अपनी अपनी बात कहने का उसका हक है।
धारा 370 हो, 35 हो, महिला जो मुस्लिम बहनों का तीन तलाक हो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, महिलाओं के बारे में पहली बार हमारी भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज़्यादा महिला जीत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी की पहल पर पहली बार पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा महिला जीत कर संसद में पहुँची है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की करनी और कथनी का अंतर है, वो जो कहते हैं वही करते हैं। यहाँ महिला भी और बच्चे भी सब पूरे देश में सब सुरक्षित रहेंगे, किसान भी मजदूर भी सब एक तरफ खुशहाली है। अच्छा, 370 को लेकर के सर विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठाती है कि 370 क्या इसलिए, क्योंकि टिप्पणियां कहीं ना कहीं बीजेपी में कही गई थी कि वहाँ की जम्मू कश्मीर में जो लड़कियाँ हैं वहाँ पे आप शादी कर सकते हैं क्योंकि वो वहाँ की लड़कियाँ बहुत सुंदर होती हैं, इस तरीके के जो टिप्पणियाँ की गई थी, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की टिप्पणी देखिए, वो पहले भी बयान आ चुका था हमारी पार्टी की तरफ से, इस तरह की टिप्पणी कोई ना करे, बहन बेटी सबकी बराबर है। और मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि जो लोग वहाँ लूट कर रहे थे, जो वहाँ कश्मीर की जनता को लूट रहे थे, वही लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको तय है जो लूट उन्होंने करी है उनका जेल जाना तय है, और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप रोज़ देखिए कहीं कोई भी किसी तरीके की भी कोई भी घटना दुर्घटना नहीं हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ सब तरह के लोग रहते हैं, लेकिन जो वहाँ जनता को लूट रहे थे उन्हीं लोगों को दर्द है और वही लोग परेशान हैं, और जिन्होंने जनता लूटी है उनको सरकार छोड़ेगी नहीं, सबकी जांच होगी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। सर, पी चिदंबरम जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी भ्रष्टाचार के तहत उनको? भाई, अब चिदंबरम जी इतने बड़े नेता हैं, आपने देख लिया होगा चैनलों के माध्यम से, जितने भी चैनल हैं सब पे चल रहे हैं, इस देश को लूट के रख दिया इस कांग्रेस ने। और ये तो अभी चिदंबरम जी है, अभी तो आने वाले देखना कितने चिदंबर और निकलेंगे। जितनी भी अर्थव्यवस्था इस देश की इन्होंने लूटा है, खराब करा है, माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी एक एक की जांच कराएंगे और सबको जेल भिजवाएंगे, अभी तो देखना कितने चिदंबर निकलते हैं। तो ये थे हमारे साथ सुधीर त्यागी जी, जो कि किसान मोर्चा के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, इनसे हमने बातचीत करी। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।